उत्तराखंड के बागी विधायकों की सदस्यता का आज फैसला होगा। नैनीताल हाईकोर्ट में कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता पर आज सुनवाई होगी। हरीश रावत के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने को लेकर पीआईएल दायर की गई है। हरीश रावत के सिंह चेत की जांच कराने की मांग भी की गई है। ये पीआईएल दिल्ली के मनन शर्मा ने उत्तराखंड के चीफ जस्टिस को दी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कई मौकों पर लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए 91 जनप्रतिनिधियों को निलंबित किया। वो उत्तराखंड के मसले पर चीख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उत्तराखंड में प्रजातांत्रिक और संवैधानिक दो तरह के संकट हैं। प्रजातांत्रिक संकट को केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाकर दूर कर दिया, लेकिन स्पीकर और सीएम संवैधानिक बनाए हुए हैं और लगातार असंवैधानिक काम कर रहे हैं। दो संकट है, एक संवैधानिक संकट और प्रजातंत्र की रक्षा करने का संकट है। केंद्र सरकार ने प्रजातंत्र की रक्षा के लिए राष्ट्रपति शासन पर लगा दिया और संविधान की रक्षा वहाँ पर मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा हो, और मुख्यमंत्री भी रेड हैंडेड हाई स्क्रीनिंग करते हुए पकड़ा गए हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड की राजनीति के कारण प्रजातंत्र का भी नुकसान हुआ है, संविधान का भी अपमान हुआ है, उत्तराखंड का भी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी श्याम जाजू ने कहा कि रावत सरकार 18 तारीख को ही गिर गई थी, वो अल्पमत में है, वो भला कैसे बहुमत साबित करेगी। सरकार अल्पमत में आ चुकी थी, बाद में हमने महामहिम राज्यपाल जी के सामने परेड करवाई, राष्ट्रपति जी के सामने परेड करवाई, लोग बागी विधायक एक भी गया नहीं है, कैसे हो जाएगी इनकी मेजोरिटी। तो वो अल्पमत वाली सरकार है, उनको तो नैतिक आधार पे 1 मिनट का भी विलंब ना करते हुए तत्काल प्रभाव से बर्खास्त होना चाहिए, अपना इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस के बागी विधायक सुबोध उनियाल ने कहा कि हमने सदन में बजट बिल का विरोध किया था, लेकिन सरकार नहीं मानी और काल्पनिक आरोपों को लगाकर हमें बाहर कर दिया। हमें उम्मीद है कि कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमने फाइनेंस बिल का विरोध किया, सरकार ये मानने को तैयार नहीं। हम लोग तो शहादत के लिए तैयार थे, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, फाइनेंस बिल पास हो गया। काल्पनिक आरोपों के साथ हम लोगों को डिस्क्वालीफाई करने की साजिश रखी गई, तो हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारी कोर्ट में हेयरिंग है उसमें निश्चित रूप से हम लोगों को जीत होगी और हमको न्याय मिलेगा। सियासी हलचल को लेकर कांग्रेस में काफी कुछ अंदर खाने चल रहा है। वहीं अंबिका सोनी कह रही हैं कि बागियों की वापसी पर अभी कोई विचार नहीं हुआ है। उन्होंने हरीश रावत की जगह किसी और चेहरे को देने की संभावनाओं से भी इनकार कर दिया है। उनके अनुसार हरीश रावत हमारे नेता हैं और नेताओं को बदला नहीं जाता है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से एकजुट होकर लड़ रहे हैं और अपने विधायकों के उत्साह और हिम्मत और एकता को देखकर पूरे पार्टी के कार्यकर्ता में जोश है। उत्तराखंड कांग्रेस के सभी बागी विधायक दिल्ली एयरपोर्ट से दून के लिए रवाना हो गए हैं। बागी विधायक अवध सिंह रावत ने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि हरीश रावत भ्रष्ट सीएम थे और कांग्रेस हाईकमान के कान बंद कर हो गए हैं। मसूरी में यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस और बीजेपी पर बोला हमला, कहा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और मिलकर प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही हैं। सूबे में चल रहे हालातों के लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है, ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर सलाहकार राज्यपाल कानून व्यवस्था पर निर्देश देंगे। एलबीएस अकादमी में फंसी आईएएस रूबी चौधरी मामले में राष्ट्रपति दौरे को ग्रुप फोटो के लिहाज से भी पुख्ता किया गया है। पिथौरागढ़ डीएम सभागार में सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में मुख्यालय में एक शहीद स्मारक बनाने का फैसला लिया गया है, साथ ही पूर्व सैनिकों की समस्याओं पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी डीएम की ओर से निर्देश दिए गए हैं।